हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है इंग्लैंड बनाम यूएसए एंड ये एक मस्ट विन गेम फॉर इंग्लैंड। वेल, यूएसए इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेकनिंग, बट बारिश का हो सकता है एक बड़ा फैक्टर इस मुकाबले में। सो थ्रू दिस प्रीव्यू समझेंगे कौन होंगे आपके की प्लेयर्स फैंटेसी परस्पेक्टिव से एंड बना सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट इन द गेम। प्रीव्यू एंड तक जरूर देखिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। विंड प्रेडिक्शन इस मुकाबले में इंग्लैंड या हु नोज इट माइट बी रेन, क्योंकि थोड़ी रेन है फोरकास्टेड इस मुकाबले के लिए। एक गिव अवे चल रहा है ऑन माय मार्च 11, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सचेंज 22 पे ₹100 डेल कैश ऑन साइन अप। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके कर लीजिए साइन अप। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है ऑन माय मार्च 11। आपको क्या करना है, सिंपली जाके आपको लीग ज्वाइन करनी है। जैसे आप ज्यादा स्मॉल लीग ज्वाइन करते रहेंगे इन द वर्ल्ड कप, आपकी रैंकिंग वहां पे ऊपर बढ़ती जाएगी। सो गुड चांस फॉर यू टू विन सम इजी प्राइजेस। एक्सचेंज 22 पे नो लॉस लीग चल रहा है। नो लॉस लीग में बेसिकली अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो जाता है एंड एक्सचेंज 22 पे आपको प्लेयर्स बाय या सेल करना है, तो एकदम आसान सा प्रोसेस। आपको पसंद आए तो बिल्कुल खेल सकते हैं। टैक्टिकल कॉर्नर की बात की जाए तो मिडल ओवर्स दोनों टीम के लिए कंसर्न है, वाइल मिडल ओवर्स बैटिंग दोनों टीम की यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ऑफकोर्स इंग्लैंड की ओपनिंग बैटिंग भी बहुत ही अच्छी रही है। लास्ट गेम थोड़ा सा कोल्ड था, बट उसके अलावा आई थिंक काफी अच्छा किया उन्होंने। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इस सेक्शन से आप ज्यादा कुछ टेक अवे कर नहीं पाएंगे। मेनली आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने रोटेशन में क्या चेंजेस कर सकते हो। तो चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द प्लेयर कार्ड्स। रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिए। बेल आइकन हिट करिए ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। जैसे मैंने कहा वेदर रिपोर्ट में कि रेन माइट बी एक्सपेक्टेड इन दिस गेम टू प्ले अ पार्ट। एंड पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एक और बैलेंस विकेट आपको दिखेगा, ब्रीज वापस एक फैक्टर है एंड यहाँ पे ज्यादा स्पिन अब तक हमने देखी नहीं है। टिपिकल विकेट है 160-170 वाला, तो वापस यही एक्सपेक्ट करेंगे इस मुकाबले में। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मिलिंद कुमार खेले थे इन द लास्ट गेम। मोनांग पटेल का खेलना अभी डाउटफुल है। अगर मिलिंद कुमार आते हैं तो ऑफकोर्स वो नीचे चले जाएंगे इन द ऑर्डर। वाइल बात करें यहाँ पे और बात करें हम यहाँ पे टीम इंग्लैंड की ना कि साउथ अफ्रीका, तो वहां पे एक सिमिलर लाइनअप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट टू मेनी चेंजेस। मार्क वुड के लास्ट कुछ गेम्स खास अच्छे नहीं रहे, बट क्योंकि यहाँ पे एक एसोसिएट नेशन है सामने, रादर एक नेशन जो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली अगेंस्ट दीज बिगर टीम्स, आई थिंक उनका पेस यहाँ पे काफी इफेक्टिव रह सकता है। तो एक सिमिलर लाइनअप एक्सपेक्ट करेंगे हम टीम इंग्लैंड के लिए। अब चलते हैं प्लेयर्स की तरफ एंड समझते हैं कौन है पोटेंशियल यहाँ पे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऑफकोर्स नहीं होंगे वर्सेज यूएसए और वर्सेज इंग्लैंड, बट एट बार्बेडोस जॉस बटलर का रिकॉर्ड अच्छा, 30 का एवरेज एंड 150 रन इन 5 मैचेस। तो ऑफकोर्स ये वापस रहेंगे एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस। उसके बाद है फिल सॉल्ट, यहाँ पे काफी खेला है इन्होंने यहाँ पे 5 मैचेस में 137 रन्स एंड एन एवरेज ऑफ 137 प्लस। साथ में याद रखिए कि इनका जो अटैकिंग अंदाज है, अगर सौरभ नेत्रवालकर को अच्छे से खेल रहा है तो आई थिंक काफी आप यहाँ से इनसे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स जॉनी बेस्टो, 1 मैच में सिर्फ 7 रन यहाँ पे। इनका फॉर्म भी ठीक ठाक रहा है फ्रॉम द लास्ट सेट ऑफ गेम्स, सो आई थिंक आप ले सकते हैं इन द टीम अनलेस आपको कोई भी हिंट मिले कि अप फ्रंट कुछ मूवमेंट हो, उस केस में सॉल्ट एंड बेस्टो बन जाएंगे थोड़े से सस्पेक्ट। फिर चलते हैं हैरी ब्रुक की तरफ, 3 मैचेस में 31 रन एट बार्बेडोस, सो नॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड बट फॉर्म इनके साथ रहा है। लास्ट गेम में ऑलमोस्ट इंग्लैंड को वहां पे एंड ऑफ द लाइन तक लेकर गए। अब अगर आपको लग रहा है कि इन्हें बैटिंग का मौका मिलेगा, जैसे मैंने कहा अगर अप फ्रंट कोई भी मूवमेंट की हिंट है तो फिर हैरी ब्रुक का रोल वहां पे बढ़ सकता है। फिर है मोइन अली, अच्छे फॉर्म में लगे हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, थोड़े बहुत विकेट लिए हैं थोड़े बहुत रन किए हैं, फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से तो आपका काम हो जाता है। 8 मैचेस में 141 रन and 6 wickets, so nothing to talk home about with Moeen Ali, at least on this venue. फिर यहाँ पे लियम लिविंगस्टन, वापस इनका रिकॉर्ड काफी खराब, इनका भी फॉर्म ऊपर नीचे रहा है इस वर्ल्ड कप। 5 मैचेस में 75 रन बट विकेट्स लिए इन्होंने 5 एट दिस वेन्यू, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी बोलिंग कर जाएंगे तो आप ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इंग्लैंड टीम बहुत सारे बोलिंग ऑप्शन है, तो कौन किस दिन पे कितने ओवर्स करेगा दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉल। सैम करन वापस एक ही मैच खेला है यहाँ पे जिसमें विकेट नहीं मिला इन्हें, लास्ट गेम में भी इनकी बोलिंग कुछ खास रही नहीं, सो इनका भी फॉर्म मेरे हिसाब से कंसर्न रहेगा फॉर दिस टीम। जोफ्रा आर्चर अच्छे फॉर्म में रहे एट बार्बेडोस, 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड, इनका यहीं पे जन्म हुआ था एट बार्बेडोस, यहीं के लोकल है, तो ऑफकोर्स लॉट ऑफ डोमेस्टिक एंड लोकल क्रिकेट, हेंस लोकल नॉलेज का इनको, लोकल कंडीशन का थोड़ा इनको नॉलेज एंड एडवांटेज होगा। ये एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बिल्कुल बनेंगे, काफी अच्छे यॉर्कर्स ये डाल रहे हैं ऑफ लेट। आदिल रशीद 8 मैच में 10 विकेट, अगर थोड़ी सी भी टर्न रही इन द पिच इट शुड सूट हिम। लास्ट गेम में काफी इकोनॉमिकल स्पेल डाल के गए थे एंड क्योंकि ये डे गेम होगा हो सकता है कि थोड़ी और हेल्प रहे इन द ट्रैक।
मार्क वुड बहुत ही बेकार फॉर्म में रहे ऑफ लेट, बट क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सामने एक टीम है जिन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, तो मार्क वुड का जो पेस है थोड़ा सा उनके लिए सरप्राइजिंग एक एक्स फैक्टर बन के आ सकता है। फाइनली रीस टॉपली बहुत ही अच्छे स्पेल्स डाल रहे हैं। लास्ट गेम में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब 160-170 वाला गेम था, इन्होंने वहां पे 20 रन की स्पेल डाली इन 4 ओवर्स, तो बहुत ही इकोनॉमिकल वो गेम जरूर आएगा जहां पे जाके 3-4 विकेट लेकर जाएंगे एट बारबाडोस, 4 मैच में 3 विकेट्स। अब चलते हैं टुवर्ड्स टीम यूएसए। यहाँ पे मोनान पटेल सैडली अब तक वापस नहीं आई है, पहला गेम पाकिस्तान के खिलाफ जिता कर गए थे फॉर हिज टीम, ये कैप्टन है इस टीम के, एंड उसके बाद सेलिब्रेशन में ऑकवर्डली है इंजर हो गए, एंड उसके बाद अब तक नहीं दिखे। सो लेट्स सी आते हैं कि नहीं इन दिस गेम। स्टीवन टेलर ऑफ स्पिन के साथ रहेंगे यूजफुल, एंड साथ साथ में ओपनिंग ऑर्डर में बहुत बड़ी हिट्स ये लगा के दे सकते हैं आपको, हेंस अ डिसेंट पिक। ग्रैंड लीग में बिल्कुल आप रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एरन जोन्स, एक मैच में 11 रन एट बारबेडोस, अगेन नथिंग टू टॉक होम अबाउट इन टर्म्स ऑफ द रिकॉर्ड, बट ये भी एक बहुत बड़े हिटर हैं। पहले पहले कुछ गेम्स के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे सिजल आउट हो गए थे, लेट्स सी कि इस मुकाबले में क्या कर सकते हैं। अगर अच्छी बैटिंग कंडीशंस रही तो डेफिनेटली आप कुछ टीम्स में इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। याद रखिए कि ये भी बारबेडोस के लिए पहले लोकली खेल चुके हैं, तो इन्हें भी लोकल कंडीशंस का थोड़ा सा ध्यान रहेगा। कोरी एंडरसन ऑफ कोर्स ये बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, अगर किसी का हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो है कोरी एंडरसन का वर्सेस इंग्लैंड, 2 मैचेस 28 रन्स एंड 2 विकेट्स। उसके अलावा एट बारबेडोस एक मैच में 7 रन। फॉर्म इनके लिए थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, मेरे हिसाब से इनकी अपॉर्चुनिटी भी सही पॉइंट्स पे नहीं आई है, मे बी इस गेम में कुछ कर जाए। फिर है हरमीत सिंह, बहुत ही अच्छे टच में लगे हैं स्पेशली विद द बैट एंड विद द बॉल, याद रखिए इन फ्रंट ऑफ बटलर एंड सॉल्ट। मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर ये या नौशुतोष स्कैनजिंग में से एक बोलिंग ओपन करे टू ट्राई एंड लिमिट बटलर एंड सॉल्ट। एंड फाइनली यहाँ पे सौरभ नेत्रवालकर, एक मैच में कोई विकेट नहीं, बट इस वर्ल्ड कप में अगर यूएसए से आप किसी प्लेयर का नाम पहले याद रखोगे वो होंगे यही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विकेट्स इन्होंने लिए एंड हर गेम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, एंड एक बहुत अच्छी पिक ये भी बन के आएंगे। फाइनली अली खान, बहुत ही खराब रहा इनका वर्ल्ड कप एंड 4 मैच में 1 ही विकेट एट बारबेडोस, बट क्योंकि वो एक्स फैक्टर है पेस का इनके पास, पहले बोलिंग करते हुए हो सकता है कि ये डेथ में आपके लिए काम आ जाए, बट क्योंकि फॉर्म उनके साथ नहीं रहा आई थिंक मोस्टली ग्रैंड लीग पे ये भी बनकर रह जाएंगे। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम एंड समझते हैं कौन से प्लेयर्स को आप कर सकते हो रोटेट। सो फर्स्ट टू द कीपिंग सेक्शन, यहाँ पे जॉस बटलर एंड फिल सॉल्ट होंगे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। बैटिंग सेक्शन से बात की जाए तो जॉनी बेस्ट तो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, जैसे मैंने कहा अगर अपफ्रंट मूवमेंट के साइंस है तो तब आप सॉल्ट बेस्टो पे वहां पे चांस ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में मोइन अली विल बी एन इंपॉर्टेंट पिक, क्योंकि सामने वाली टीम में 3 से 4 लेफ्ट हैंडर इन द टॉप 7, तो हेंस इनका रोल रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। वाइल बोलिंग सेक्शन में से मैं सारे इंग्लैंड के बॉलर्स को बिल्कुल पिक करना चाहूंगा, एज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंग्लैंड का यहाँ पे गेम बनेगा, तो ये जो 8 प्लेयर्स हैं ये डेफिनेटली मेरे टीम में रहेंगे। बाकी के प्लेयर्स बेस्ड ऑन टॉस एंड सिनेरियोस, बट अभी के लिए क्योंकि सौरभ नेत्रवालकर का फॉर्म अच्छा रहा है मैं जाऊंगा उनके साथ, एंड सेम फॉर हरमीत सिंह क्योंकि आपको विद द बैट एंड विद द बॉल उनसे वैल्यू मिल जाती है। लास्ट पिक अगर यूएसए पहले बैटिंग करे तो कोरी एंडरसन थोड़े से ज्यादा टेम्पटिंग बन जाएंगे, सैम करन भी एक ठीक ठाक चॉइस है, लास्ट गेम में 3 ओवर्स करके आए थे, तो इन दोनों में से एक बेस्ड ऑन द सिनेरियो बेस्ड ऑन द टॉस कितने बॉलिंग ऑप्शंस है उसी सब पे ये चॉइस डिपेंड करेगी। अभी के लिए मैं उस स्लॉट में डाल रहा हूँ सैम करन को। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक नहीं, बट अगर कोई सेफ पिक है, लास्ट गेम में आपने देखा बटलर ने ज्यादा रन नहीं किए बट फिर भी क्योंकि कीपिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको वैल्यू वहां से मिल जाती है, जॉस बटलर माइट बी द चॉइस। एंड वाइस कैप्टन की बात की जाए बट क्योंकि जोफ्रा आर्चर का फॉर्म अच्छा है प्लस यहाँ लोकल कंडीशंस को जानते हैं, हेंस वो भी यहाँ पे एक अच्छी पिक बन सकते हैं। हेंस अभी के लिए यही लग रही है मेरी फैंटेसी टीम। आप समझते हैं कौन से प्लेयर्स को आप रोटेट कर सकते हो बेस्ड ऑन फॉर्म एंड बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो एक है यहाँ पे एंड्रेस गाउस, बहुत ही अच्छे रिसेंट फॉर्म में रहे, हमने देखा वो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट वहां पे टीम को जिता कर गए थे, सो हेंस ये एक अच्छी पिक बनेंगे। बैटिंग सेक्शन में से एरन जोन्स, जैसे मैंने कहा कि लोकल कंडीशंस का थोड़ा सा नॉलेज है इनके पास, इवन दो रिसेंट फॉर्म लीन आउट हो गया इनका। हैरी ब्रुक, अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छा बड़ा स्कोर इंग्लैंड बनाएगी तो फर्स्ट इनिंग्स में हो सकता है इनकी बैटिंग वहां पे आ जाए, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा डाइसी रहूंगा मैं, एज मैं बटलर को कैप्टन बना रहा हूँ तो एज्यूम कर रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर से वहां पे रन बनेंगे। द केस व्हेन आई विल पिक हैरी ब्रुक इन द बेस टीम विल बी अगर मुझे लग रहा है अपफ्रंट मूवमेंट है, उस केस में सॉल्ट या बेस्टो में से एक को ड्रॉप करके हैरी ब्रुक को वहां पे मैं पिक कर लूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो लियम लिविंगस्टन इन इफ बैटिंग फर्स्ट एंड बोलिंग सेकंड, एंड स्टीवन टेलर सेम सिनेरियो, अगर पहले बैटिंग करते हैं सेकंड बोलिंग करते हैं तो थोड़े से वहां पे हैंडी बन सकते हैं। अली खान इफ बोलिंग फर्स्ट, मेरे हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, अगर आप यूएसए को कोई भी टीम्स में वहां पे बैक कर रहे हैं तो वहां पे अली खान का रोल बन सकता है इफ इज
बॉलिंग फर्स्ट उस सिनेरियो में बिल्कुल उन्हें ट्राई कीजिएगा। तो ऑल इन ऑल हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शन यही बन के आते हैं, लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स हैं मार्क वुड एंड रीस टॉपली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनका पिक परसेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा बाय द टाइम द टॉस अराइज, बट लेट्स सी क्या होता है। बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड फिल सॉल्ट से आप बैटिंग फर्स्ट में बड़ी पारी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड बॉलिंग फर्स्ट में मार्क वुड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आपको अगर याद होगा ओमान के सामने उनकी परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ वो यहाँ पे वापस कर सकते हैं। दोनों सिनेरियो में बटलर मोइन एंड एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर जो नहीं एडेड है यहाँ पे, जोफ्रा आर्चर बनेंगे इम्पोर्टेंट चॉइसेस। तो ऑल इन ऑल यही रहे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप सभी को ये प्रिव्यू पसंद आया हो। रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। जो भी फाइनल टीम्स और अपडेट्स है आपको वहीं पे मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा Exchange 22 की पिक्स करेंटली लाइव नहीं है, जैसे ही लाइव हो जाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो चॉइसेस ऑन टेलीग्राम, बट अभी के लिए तो उस पिक्स आर नॉट लाइव। आप यहाँ पे जाके प्लेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है प्लेयर अच्छा करेंगे तो वो सिनेरियो में बाय कर लीजिए, एल्स आप प्लेयर को सेल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट था वो आप तक पहुंचा दिया गया। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर रेन एक फैक्टर बन के आता है, समझिए आपको पता चल जाता है वहां पे एक शॉर्टेंड गेम है, तो शॉर्टेंड गेम के सिनेरियो के हिसाब से आप टॉप ऑर्डर बैटर्स एंड बोलर्स को बैक कर सकते हो फ्रॉम बोथ टीम्स। इनफैक्ट शॉर्टेंड गेम होगा तो यूएसए भी ज्यादा वहां पे गेम में आ जाएगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन द प्लेइंग कंडीशंस जज कितने ओवर्स होंगे क्या होगा वही हिसाब से अपनी फाइनल टीम बनाइएगा। दिस वॉज जस्ट गाइडेंस एंड प्रोविजनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, अपना सपोर्ट बनाए रखिए एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए।